नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल दुनिया सपनों की। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, यदि आप सपने में किसी वृद्ध आदमी को देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। सपने में यदि कोई व्यक्ति किसी वृद्ध आदमी को देखता है तो ये सपना उसके लिए कैसे माना जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं, सपने में यदि आप वृद्ध आदमी को देखते हैं तो ये सपना आपके लिए कैसा होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस सपने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, यदि आप सपने में किसी वृद्ध आदमी को देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। अपने उन विचारों को बदलने की जरूरत है जिसकी वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपनी सोच और अपने विचारों को बदलिए ताकि आप अपना जीवन में एक नई उम्मीद और ताजगी को महसूस कर सके। यदि आप सपने में किसी वृद्ध आदमी से बात करते हुए देखते खुद को, तो वो व्यक्ति जान पहचान का है, तो इसका अर्थ है कि आप जीवन में ऐसा तजुर्बा हासिल होने वाला है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि आने वाले समय में आपको ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को और खुद से जुड़े लोगों की जिंदगी सुधार सकते हैं। और यदि आप सपने में किसी अनजान वृद्ध आदमी से बात करते हुए देखते हैं खुद को, तो इसका अर्थ होता है कि आपको अपने जीवन में छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपने इन चुनौतियों का सामना कर लिया तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप उन्नति और तरक्की सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।